Assalamu alaikum everyone, welcome back. I'm Hamza Abbas, so instructor for environmental science by near peer. तो अभी पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं उसके अंदर हम लोगों ने अभी लेटेस्ट तौर पर क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया, जिसके अंदर वी डिस्कस द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट्स डेफिनेशन एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अंडर विच वी ह्यूमन बीइंग्स हैव अंडरस्टूड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो अब बात तो यही बनती है और लॉजिकल भी ये है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे जो फिनोमिनन है, जो साइंटिफिक फिनोमिनन है, उसको स्टडी किया जाए बिफोर वी डेल्व इनटू द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड देन ऑफ कोर्स द वे फॉरवर्ड इज वेल. तो इसके पीछे जो फिनोमिनन है, ये वीडियो उसके बारे में, और वो क्या है फिनोमिनन, दैट इज एज यू कैन सी इन द ऑन द स्क्रीन एज वेल, इट इज ग्लोबल वार्मिंग. एक बहुत ही आम फहम टर्मिनोलॉजी आजकल की दुनिया में, जिसके बारे में अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं. आप लोगों ने बड़ा सुना होगा जी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग. बड़े मशहूर कुछ नाम हैं जो कि आपको इसका प्रचार करते हुए नज़र आएंगे, इसको चैम्पियन करते हुए नज़र आएंगे. लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉजर वाटर्स, डेविड गिलमर, इसके अलावा और बड़े एम्बेसडर्स बनते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस चीज़ के ऊपर. सबसे बड़ा जो नाम है आजकल की दुनिया में जो कि स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ की अगर बात की जाए, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं. इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बात की जाए तो अल गोरे, हु इज़ वंस रादर ट्वाइस अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो एक ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है, और क्लाइमेट चेंज से इसका एक बराह रास्त एक लिंक है, एक डायरेक्ट लिंक है, इसलिए इसको स्टडी करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है. सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको मैं आपको दो सतूहात के ऊपर समझाऊंगा. एक मैं आपको समझाऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग नेचुरली क्या है, एंड देन ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द लेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो क्या है. सो देयर आर टू स्टेजेस, इसके तहत मैं आपको समझाऊंगा. ये आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक क्यूमुलेटिव फिगर ड्रॉ की हुई है, एक फिगर आपके सामने. सो बिफोर आई मूव ऑन, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ. इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ फिगर्स, और बेतहाशा आप लोगों ने फिगर्स ड्रॉ करने. अपना हर आंसर आपने फ्लो चार्ट में, ऐसे जिसे कहते हैं ना, वो ये इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर के लिए तो खसूस ये बात आप लोग जहन में रखिए कि आप लोग जितना ज़्यादा इसको डेकोरेट कर सकते हैं ना, फ्लो चार्ट्स और आपके फिगर्स वगैरह इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बात ही कोई नहीं है. इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जिस हद तक हो सके आप लोगों के साथ फिगर शेयर करूं, और आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के तहत आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी हो एंड यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो ये मेरा मकसद है. तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ भी रहे होंगे और इस पर अमल दरामद भी करेंगे जब वक्त आएगा. तो सो ये आप एक पिक्चर का अगर आप ओवरव्यू लें, देर आर टू पार्ट्स टू दिस पिक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. वॉट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फिनोमिनन है जिसके तहत आपके हवा में मौजूद कुछ गैसेस हैं जो कि अर्थ से जब हीट एमिट होती है, कब एमिट होती है, जब सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें अर्थ पे जाके लगती हैं, दुनिया पे जाके लगती हैं, तो कुछ शुआओं को, कुछ किरणों को, कुछ रेज ऑफ लाइट को अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ को वो इमिट बैक करते हैं. और जब वो इमिट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से वो इस वो सूटेबल हो जाती हैं, प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ड सूटेबल, वो सूटेबल हो जाती हैं फॉर सम गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एयर. कुछ गैसेस जो कि हवा में मौजूद होती हैं उनके लिए वो सूटेबल हो जाती हैं कि वो उनको एब्जॉर्ब कर सकें. क्या एब्जॉर्ब कर सके? वो गैसेस उस इमिट करदा हीट को या उस इमिट करदा रेज को वो एब्जॉर्ब कर सके. कहाँ से इमिट होती हैं? वो होती हैं दुनिया से. अगर आप इस फिगर को देखें तो इसको हम ज़रा फिर से फोकस करते हैं. सूरज, सूरज की तरफ से आपको सोलर रेडिएशन मिली. ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल एटमोसफेयर. एटमोसफेयर से हम ऊपर की बात नहीं करें, ओजोन लेयर को क्रॉस करते हुए ये आपकी आई नीचे की तरफ, ये सूरज की किरणें जो हैं जाके लगती हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, अज्यूम करिए कोई एंथ्रोपोजेनिक नहीं एक्टिविटी नहीं हुई है. नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी जाके ये सूरज की किरणें लगी, कुछ किरणों को आपकी अर्थ ने जो है एब्जॉर्ब किया, कुछ को आप देख सकते हैं इस एरो के थ्रू वो रेडिएट बैक किया. अच्छा, जब आपको रेडिएट बैक किया तो यहाँ पे आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का फुल्का लिखा हुआ है, वो आपकी जो हैं वो गैसेस जो हैं वो
इस एमिट करता हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो अब सूटेबल हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कि वो एब्जॉर्ब की जा सकती है. इससे पहले जब वो रेडिएट होके आ रही होती थी ना सूरज की तरह से, तब नहीं एब्जॉर्ब होती थी. इधर एब्जॉर्ब तभी होती है कि जब ये अर्थ आपकी इमिट बैक करता है, और अर्थ, लैंड, ओशंस, आपके प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं. लैंड भी एब्जॉर्ब करेगा, ओशंस अलहदा एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ले रहे होते हैं. फिर जो एक्सेस होता है उसको इमिट बैक किया जाता है. जब इमिट बैक कर रहे होते हैं फिर प्लीज़ फोकस करिए आपकी फ्रीक्वेंसी में भी, और आपके वेवलेंथ में फ़र्क आता है, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर द गैसेज, द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, फॉर देम टू एब्जॉर्ब द हीट दैट इज़ बीइंग एमिटेड फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, तो वो उसके लिए सूटेबल होता है. इस पूरे फिनोमिनन को जिसके अंदर आपकी हीट एमिट हुई, रेडिएट हुई, ठीक है, फिर एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एंड देन रेडिएट बैक, इट इज रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ. ये पूरे का पूरा प्रोसेस, और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन बाय द GHGs, ठीक है. इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे अपनी बहुत ही हिले हुए हाथों वाली राइटिंग से लिखा है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, एक और बात, अगर ये इफेक्ट प्रेवलेंट ना हो, अगर जो गैसेस जिनके बारे में, जिनका तारुफ मैं अभी आगे आपके लिए कराऊंगा, फिक्र ना करिए आप, अगर ये गैसेस हवा में मौजूद ना हो, ठीक है, आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है, बड़ी छोटी, इसकी नेग्लिजिबल अमाउंट है. अगर ये नेग्लिजिबल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की और बाकी जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये मौजूद ना हो, और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज नॉट इन टू प्ले, तो फिर क्या होगा, आपकी दुनिया का जो औसतन टेम्परेचर है यानी एवरेज टेम्परेचर है वो हो जाएगा -15°C अगर ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मौजूद ना हो. सो इसलिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का होना हमारी जिंदगियों के लिए और अर्थ की सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज नॉट अ विलन इंटायरली. ठीक है, ये विलन बन जाता है हमारी वजह से, हमने इसको विलन बना दिया है अपनी हरकत की वजह से. तो ये जो इफेक्ट है ना, ये आपकी अर्थ की सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. ये बात तो अब एक चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने आयाँ भी हो जानी चाहिए और साबित भी हो जानी चाहिए. अब हम बात करते हैं दूसरी. ये तो मैंने आपको बता दी कि नेचुरली इस तरह से सिस्टम चल रहा है. अब ये आप, हम एक यूटोपियन वर्ल्ड की बात करें जिधर आपका इक्विलिब्रियम है, एक्सेसिव गैसेज मौजूद नहीं है. ठीक है, अब ये अगर हम बात करें द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, अब देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो दुनिया के अंदर चल रहा है और शुरुआत से चल रहा है. अगर ये ना चलता तो आपकी दुनिया के टेम्परेचर, मैंने आपको बताया -15°C होता ऑन एवरेज, और इस एवरेज टेम्परेचर के ऊपर लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती. हम तो नहीं रह सकते -15°C से, जानवर भी नहीं रह सकते, तो लाइफ होती ही ना. अगर होती भी तो बहुत ही मखसूस कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए होती जो कि उस टेम्परेचर के ऊपर जिंदगियां गुजार सकते हैं. अब हो क्या रहा है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको मैंने जैसे बताया पिछली वीडियो के अंदर कि देर हैज बीन एन इंक्रीज एंड इनसेसेंट एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम अभी आपके लिए ले देता हूँ आपको ताकि आसानी हो जाए. CO2, CH4, जिसको मीथेन कहते हैं. ठीक है, अभी आप ये दो नाम ही जेहन में रखें, आप समझें, और चलें N2O भी लिख लें, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, ये कुछ गैसेस हैं, इनमें भी CO2 की मिकदार हवा में सबसे ज्यादा है. नेचुरली भी एटमोसफेयर के अंदर इसकी मिकदार सबसे ज्यादा होती है, और CO2 इमिशन जो है ये भी सबसे ज्यादा है ड्यू टू आवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है ना, वही आप स्टीम इंजन वाली बात याद है, स्टीम इंजन बना, एनर्जी बनी, ये सारा कुछ, तो सबसे ज्यादा इमिशन हो रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की. आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे इस एटमोसफेयर के अंदर वो 298 ppm, जो कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है,
298 ppm से वो बढ़ के इस वक्त 398 ppm तक पहुंची हुई है 2020 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। 2010 की बात करें तो तकरीबन 390 तक इस तरह से पहुंची हुई थी, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ, तकरीबन 1/3 के हिसाब से इजाफा हुआ है विद इन द पास्ट 200 ईयर्स, ठीक। आपको मैंने बताया था कि -15 डिग्री सेल्सियस चाहिए था एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक यूटोपियन वर्ल्ड में, जब आपकी प्री इंडस्ट्रियल हिसाब से बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट वॉज ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन मौजूद थी। अब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने एनर्जी बनाई, हमने घर सर बनाए, हमने डेवलपमेंट की, वो जो अर्थ के ऊपर चीज़ें मौजूद थी जो कि एब्जॉर्ब करती थी रेडिएशंस को, हम लोगों ने उनको भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर हरे फहरस्त आपके आते हैं दरख्त, हम लोगों ने बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन की जो आपके कार्बन सिंक्स का काम करती थी, सिंक हो गया ना, सिंक होते जो एक चीज़ को सपोर्ट कर सके, हासिल कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एक स्पंज का काम करती थी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सो आपने उन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया अपनी अर्बनाइजेशन के चक्कर में, आपने उन एरियाज को ग्रेज ऑफ कर दिया ताकि आप अपने लाइफ स्टॉक को जो है फीड कर सकें और वो लाइफ स्टॉक फिर आपको फीड कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं, फॉलो करें आप लोग। तो वो रेडिएशंस आ रही हैं, एक तो ये कि वो रेडिएशंस भी उस हिसाब से एक्सेसिव होगी क्योंकि सूरज की शुआओं में तो फ़र्क नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने एंड के ऊपर बेतहाशा इमिशंस भी स्टार्ट कर दी, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एनर्जी जनरेशन और ये तमाम चीज़ें जो आप इस फिगर के ऊपर देख सकते हैं। तो हुआ क्या, एटमोसफेयर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन थी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इंक्रीज्ड, ठीक हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस की ये एक खसूसियत है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करते होते हैं, ठीक है। अब चूंकि हवा के अंदर मौजूद जो आपकी ये गैसेस हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हुआ, इसका मतलब कि ज़्यादा पार्टिकल्स, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि इमिट करदा हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। कौन सी इमिट करदा हीट, हीट जो कि आपके अर्थ से इमिट बैक हो रही है, उसको एब्जॉर्ब कर सकें। सो इफ देर आर मोर गैसेज और मोर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल टू एब्जॉर्ब हीट, ऑटोमेटिकली आपकी हीट जो है वो आपके इस एटमोसफेयर के अंदर ज़्यादा प्रसिस्ट करना शुरू कर जाएगी पिछले ज़माने की नस्बत। इस इंक्रीज ऑफ हीट कॉन्सेंट्रेशन विद इन द एटमोसफेयर, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक लेंस के मुताबिक क्लाइमेट चेंज, विच इज फ्यूल्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, रादर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इसका लिंक है आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के साथ, ठीक है। आई एम सॉरी देन अगेन, मेरी राइटिंग के लिए मैं माजरत चाहता हूं, बट आप मेरी बातों पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग ये बात क्लियर होगी कि अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट का जहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमने ही अपनी हरकतों की वजह से, जो कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से एक हमारे लिए नेमत से ज़्यादा जहमत बना दी, ठीक है। तो इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के तहत आपके यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी माहौल के अंदर इमिट हो रही हैं हमारी वजह से, हम लोग उनको हवा में छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि देर आर मोर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू एब्जॉर्ब द हीट दैट इज बीइंग एमिटेड। और वो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो ओवरऑल हमारा वो टेम्परेचर बढ़ाती है, इसीलिए जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा 0.3 से लेके 0.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा एक सेंचुरी के अंदर इन वन सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारी बातें अब आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो तक आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है, रादर ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। एंड अगर इसका एक इवेंचुअल पिक्चर देखा जाए तो लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर आपको क्या बता रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर बता रही है आपको कि एक नॉर्मल हालात के अंदर एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होती है। राइट साइड ऑफ द पिक्चर, ये तो लेफ्ट और राइट आपको बता रही है कि किस तरह से हमने अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा किया और उसकी वजह से ओवरऑल जो हीट जो कि ट्रैप होती थी एटमोसफेयर के अंदर और हमारे टेम्परेचर को एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए कारामद साबित होती थी, उसमें इजाफा हो रहा है, विच इज़ नॉट
बेरिंग फ्रूट फॉर अस और हमारे लिए वो फायदेमंद साबित नहीं हो रहा. सो दिस इज एज फार एज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज कंसर्न एंड इट्स रिलेशन विद क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की बातें समझ आ गई हैं. और इससे पहले कि हम अगली वीडियो में ग्रीन हाउस गैसेज को पढ़ें कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, आप लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लें और उसके बाद हम ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.